ला इलाहा कोई भी नहीं आले मुल गैब, कोई भी नहीं हाजिर नाजिर, कोई भी नहीं मुख्तार कुल, और कोई भी कोई नहीं कौन वद के इल्लल्लाह। हर पर्दे जो सुनन आला कौन, सारे बोलो कौन, धिया देवन वाला ते पुत्र देवन वाला कौन, दुख ते सुख देवन वाला कौन। यो कल अल्लाह दे पाक पैगंबर ने कीती ला इलाहा इल्लल्लाह, ते ए गल करन वाला कोई आम बंदा नहीं, कोई असाडा आम पीर नहीं, बल्कि ए शख्सियत हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत, ओ हस्ती ओ जात जड़ा आला तक होंट हले ना पाप अंदर एक अल्लाह की कसमा पहले प्याचा लेंदे। मिठी जुबान अला मुहम्मद, प्यारी जुबान अला मुहम्मद रसूलुल्लाह, सोनी जुबान रखन वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह, आला अखलाक रखन वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर जड़े वेले अल्लाह दे तौहीद दावा दिती, अल्लाह दी दावा दिती, तो उस वक्त वो लोग जड़े पहले आज खड़े न, मुहम्मद तेरे नाल दा सच्चा कोई नहीं, उन लोगों ने उठा के पत्थर मारे ते बाहर आले नहीं, बल्कि चाचा अबू लहब मुहम्मद पाक दा वो उठा के पत्थर भी मरे दा ते आंदे तब्बर लकाया मुहम्मद, ऐ मुहम्मद शाला तेरे हाथ टुट वंजे नमाज़ अल्लाह, तू असानु इस वजह तो कठा की ता, तू इस वजह तो सारी बिरादरी ने कठा की ता, ए अल्लाह दे रसूलों पत्थर लगे इस वजह तो अल्लाह दे पैगंबर ने कैदी तरफ बुलाया। तो इतो दादा करके नबी पाक केडे आला अखलाक, अल्लाह ने नमूना बनाया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर जेड़े वाले पैगाम सुनाया है कौम ने कुछ की किया है। आप अंदाजा कर असवर मौलवी की वजह है, खतीब की वजह है, क्या साध्या असा यो जो बयान हो गए भी दुनिया सारी वाह वाह करें दिए तो आती है माशाल्लाह भाई, यो जो बयान तो कहता ही कोई किवें बयान है, कहनू कोई गल आखी न सारी दुनिया के राजी है, बयान के बड़ा सोना हो, ये चंगी गल है, बयान सोना हो वे तो आम मौलवी ने कोई गल ना आख्या वा तो हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह बयान करे तो कौम पत्थर मारा। मालूम होता है बात इस मौलवी ने सच बयान नहीं कीता, सच बयान उसी जिथे भी बयान करे सो लोगों ने ताना दे आना है, अच्छा उठे तू नवा आया नवा मसला आज तक तक कहीं नहीं किया, उन्हें लोगों ने इहो गल की है हुण तक तो सानू गल कहीं नहीं की, मुहम्मद तू साडे विच रहा है जिथा ही अस आप वेख्या सारा हिसाब नाल तेनू, तो हुण तू आता है अल्लाह की तरफ मेरे उत्ते वही आई तो अल्लाह ने नबुव्वत दिती है, तो लिहाजा तू आके हुण ये दावत पै देता है, ये असल दावत तेरी नहीं मनेंदे, मगर अल्लाह दे पाक पैगंबर नो अल्लाह ने शुरू तो ही हुक्म फरमा दिता है, फस्तक कमा ओ मेरदा डट वज मेरा पैगंबर, पक्का अपने उस गल खलो ते उंज कर नहीं जिवे मैं अल्लाह तेनो हुक्म पया देता, इन्हां नू इहो शुरू तो ही मसला इहो दसना ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जे ए मसला इन्हां दे अंदर नहीं आंदा जब तक ए कलमा अंदर दाखिल नहीं होंदा,
आज अगे त्यादा भी फायदा कोई नहीं है, आज यानो सत्तो पिलावण दा भी फायदा कोई नहीं है। ओ जो के जड़े हाजी ओ अबू जहल वर्गे लोग जड़े हां, 70 हज कीता होया हा अबू जहल ने, इतना हज 70 बड़ेरा बंदा हा, ते हज विचो के खादिम भी आप हल बैतुल्ला दे रोक टोक भी कोई ना आई, ते नाले जड़े बाहर दे लोग आवे हा उन्होंने भी लोग भावे लखा दी तादाद अंदर क्यों नहीं, कुरेशी जड़े हल सत्तू खोल खोल के उन्होंने पिलेंदे हैं, चूंकि अरब दे अंदर गर्मी ज्यादा होती है ते बाहर जड़े लोग आते हैं मेहमान बन गए, ये लोग उन्हां दी मेजबानी करेंदे हैं, हत्ता के कई कई लोग नाल अच्छाइयां करनियां, मगर अल्लाह ने फरमाया है जब तक मेरे मोहम्मद पाक दी इस दावत को न मने सो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुसा जड़ी भी इबादत करे सो असा सारे दे सारे मिलिया मेट कर देवनी, तुहाडी इबादत ता कबूल होवनी कि तुसा हुण अमल उज करो जिवे मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह करके पिया वेखे, चौके नमूना अल्लाह ने अपने रसूल नु बनाया, लिहाजा कोई मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर दाखिल न होवे, इस नाल मोहब्बत ना होवे, या इस जैसे खजाने ते डाका पिया भरेंदा होवे, तो उस मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न दा भी फायदा कोई नहीं, कोई खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े तो ईमान दे अंदर नहीं आ सकदा। अल्लाह ने कलमे दे अंदर दो चीजां जड़ियां रखियां रखियां इस वजह तो है, पहले नंबर ते अल्लाह दी तौहीद दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ते नाल टच है मुहम्मद रसूलुल्लाह दे रिसालत, लिहाजा हुण अकीदा ते ईमान बनावणा पुसी ला इलाहा इल्लल्लाह, ते वल आखरी पैगंबर बनना पुसी मुहम्मद रसूलुल्लाह नु, जदा ये कलमा बंदा पढ़ के ने अल्लाह फरमांदा है हुण तू अपनी मर्जी नाल जिंदगी नहीं गुजार सकदा, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकदा, अपना तरह ते अपना तरीके के मुताबिक तो इबादत नहीं कर सकदा, अपने पीर ते अपनी जमात अपने उस्ताद अपने बजुर्ग अपने अकाबर दे रीस के मुताबिक इबादत नहीं हो सकती, अमल नहीं हो सकदा। हुण तुहाडी हर इबादत काबिले कबूल ता होनी है कि तुसा सारे तो पहले आके रीस दे सुन्नत अपनावनी है, ता मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी अपनावनी, अपनी मर्जी नाल इबादत हो सकदी, ते इबादत अल्लाह दा पाक पैगंबर ने जेड़ी आके काम शुरू कीता कित्थों कीता, ला इलाहा, वरना ओ लोग जेड़े हन अल्लाह नु खालिक भी मनेंदे हन अल्लाह नु राज़िक भी मनेंदे आ, अबू जहल जैसे लोग, ओ लोग जिन्हां ने मुहम्मद पाक को पत्थर मारे हैं, ओ मनेंदे हन के अल्लाह ए रोजी देवण वाला, ओ मनेंदे हन इस गल नु के मुर्दे दे विचो जिंदा निकालना ते जिंदे दे विचो मुर्दा निकालन वाला कौन है, मत के भुले के जराओ कि ए तो ही दोसी खाली इयो दावा तो मनी कि अल्लाह ही खालिक अल्लाह मालिक अल्लाह राजिक, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने रसूल पाक नु फरमाया मेरा पाक पैगंबर कुल, बोलो मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह किवें करके बोलना है, फरमाया कुल जिवें मैं अल्लाह तेनु आखणा है, वाह बोलना भी मेरे पैगंबर ने जदा कुरान ने बुलाना है ते अल्लाह दे रसूल ने सुन्नत ते अमल करना है ते ओ जिवे अल्लाह दे कुरान ने आखना है, वत इयो अंदाजा कर अल्लाह इस वजह तू तो प्यार नहीं ना कोलो पूछो मैं कुकुम मिन समा,
कौन देता आसमान ते जमीन दे विचों आसमाना तो पानी वसावना वर जमीन ते उस दे आना जमीन दे विचों किस्मों के सर्दियां सर्दियां ते फलदा उगना जमीन दे विचो अनाज दे हल्ले ना होना फरमाया ये तो रुको दे दिया बड़वाला कौन है इन लोगों को लोग कुछ ना सने मैं यो फरे जो लाई अमीन अल मईद जिंदे दे विचो मुर्दे नो ने कहा मैं यो फरे जो लाई अम मैं यो फरे जो लाई अमीन अल मईद वो यो फरे जो मईद अमीन अल हाईद ते बाद मुर्दे दे विचो जिंदा अल्लाह फरमाता जब वो लोग कुछ नहीं हो जवाब दे सिने के सारा करना लगाओने इस गल नाले नालो बने तय मोहम्मद नाले इख्तिलाफ नहीं करना इख्तिलाफ इन्होंने उदो करना है जब तो एक गल करने और कहना तो आप लो तो इस गल को तस्लीम करो ला यालमु मल फिस समावाते वल अर्ज गैब इल्लल्लाह नहीं कोई भी नहीं जानता जो कुछ गैब दे अंदर है भावे जमीन दे अंदर है भावे आसमान दे अंदर है जिथे भी गैब पे आए उसको जानने वाला सर्व कौन है तले आखना पोसी ला या लब कोई भी नहीं जानना एको कौन जानने वाला है उठे ना लोग ने आखना है ये मसला समझ नहीं पे आता ये गल बड़ी मुश्किल पे मालूम होती है इस वजह तो ना लोग ने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की थी ते नहीं उन्होंने गल को मन आखन लगे है नहीं नहीं ये मसला समझ सानू नहीं आता आज वो बड़ा कोई ताज्जुब वाला मसला है यार आज तक तो बड़े बड़े मौलवी भी आते रहे बड़े बड़े पीर ते बुजुर्ग सुनते रहे वो यहूदियां दे बड़े बड़े आलम पाए ईसाइयां दे बड़े बड़े आलम पाए उन्होंने ताज तक यो मसला नहीं कीता अल्लाह फरमाता है उन्होंने नहीं कीता तो सिर्फ इस वजह तो दुनिया दे मेरा दिल लग जाता लग गई है मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह दा ओ है जिसने दुनिया दा मेरा दिल लज कोई नहीं बल्कि जो कुछ भी बयान कीता है तक कैनो राजी करने वास्ते कीता है अगर उन्हें मौलविया दे बोलो जदा जदा भी कह मसला जब पूछिया मसले उन्होंने गोल मोल करके बयान कीता रला के कीता ए मसला बयान करना ताकि ए लोग भी राजी रहवे ए लोग भी राजी रहवे ए महल्ले वाले राजी रहवे बोडू जी भी राजी रहवे छोले लोग भी राजी रहवे ते बाहर वाले भी राजी रहवे अल्लाह ने शिकवा कर क्या किया है और ना मुराद बोल भी हो मानु तो मैं समझ दे दिसी है ला तलब सुल हक बिल बातिल वक्त तो बोल हक बाल तो तालम तो बच्चे के तरीके नाल पता भी है मसले दा पता अगर कल दे बातिल वापस मिला क्यों दे दे हो कुछ बात तो दे दे हां तो तालम अलग चंगे तरीके नाल जान दे आयो के मसला है ना ये मसले दी हकीकत है बे इस वजह तो ना लोग ने मुखालफत की थी पैगंबर दे नाल ते अल्लाह ने इतने तक फरमा दिता है मेरा पाक पैगंबर ये लोग के तई नहीं तेरे नाल खुश नहीं हो सकते इन्होंने ता के खुश हो बनाए जे तू इना दे मन के चल जे तू इना दे मन के जरा मेरा पर भी चल पिया मेरा पैगंबर बात सुन लाए मैं अल्लाह दी गल भी इन्ना का इदम में जालिमीन बात तोरे नाम भी तेरा नाम भी जालमा दी लिस्ट जो आ वणना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने गल की थी हालांकि अल्लाह दा पैगंबर दा कदे मसला छुपा नहीं सकदा मतलब के आए जब आते आए अपना दीनों ते सुनावा दोनों किस तरीके नाल अल्लाह अपने नबी नु गल करके अगले उम्मत तक पैगाम पे पहुंचांदा है कि मेरे मसले दे अंदर थोड़ा जा नरमी या छुपावण दी कोशिश की थी तो अल्लाह दे कागज दे अंदर तोडे नाल दा जालिम कोई नहीं मसला छुपाया किया जाता है कि वो लाए दिखा के बयान हो रहा है पहले नंबर से चूंकि आंदा है मसला तो ही शुरू ही तो होता है कि हर पर्दे जो सुनने वाला कौन है ये इब्तिदा है
ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਿਆ ਹੈ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਤ ਦੁਆ ਉਸ ਕੋਲ ਇਬਾਦਤ ਦੁਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ वगैरह पर जो भी हर इबादत का खुलासा ये मगज अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दुआ हर पैगंबर आया है तो इब्तिदा जकी हो मसला है मुताद तभी है एक मसले की कोशिश होनी जेड़े मर गए तो सुनन के नहीं सुन ये सुनन का मतलब सुनो रो मसला के कोई मसला है एक रसूल के मसला है कोई चलो अल्लाह जे दूसरे से बात का लायक हो सकता सोहबत की उसने पैदा हो कारोबार वगैरह जमें होंगे बाप पुठड़ा हो जाए या होर उसके काम ज्यादा हो कहता है अपने औलाद बेटा ये हम काम दे रहे ठीक है तो निगरानी मैं करे सा पर अगला हम काम चलावना कैसे वादन इन जिहा अल्लाह अता दे मैं निगरानी तक कर रहे हाँ निजाम का इनाद है जड़ा चल रहा पर कुछ ना कुछ जड़ा है ना अगु काम निजाम चलावना हो सके ये काल को ना लोग ना जदा अल्लाह दे पैगंबर ने ता आके हिप्पो काल की थी है ना कुल हुवल्लाह जेड़े वेले कुरान पढ़ के ना तू कल मैं अल्लाह दी गल्ला करेंदा है ना जेड़े लोग बैठे होने ढेर सारे तारीफ करेगा इस तू इलावा अगर तू कह और भी कर तबलीग जिंदगी कितनी है 950 साल साढ़े 900 सदियां बढ़िया उस पैगंबर ने ना नमाज की दावत दी ना रोजे दी ना कोई और इबादत दी इक्को ही ओ गल है हर पैगंबर ये सोए तो एक दावत जदा भी दी जा सी कुरान दे नाल तब बड़ी बड़िया तकलीफां ते परेशानियां ते ताने जरूर आ सेन मगर अल्लाह फरमाता है तुसा नमूना मेरे रसूल मोहतरम नु बनावणा है मैं अपने रसूल मोहतरम नु आख्या है फस का दिल कपा हो मेरे दा सोना और टट माज कौन अमल करना है जेवे मैं तोला दिल
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਲਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੋਢੋ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਦੇ ਇਮਾਰਤ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਅਲਾ ਹਵਸਿਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ, ਵਾਦਾ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ ਸਕਾਤ ਦਾ, ਵਾਦਾ ਹੈ ਹਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰੱਖੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ। ਲੋਕੋ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਲਮਾ ਤੂੰ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਪੜ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਿਆ, ਹਮੇ 70 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸ਼ਰਗ ਵਾਲੇ ਗਦਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ ਲਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੋੜੇਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ
सारे की गल की मार सलना बिन कबले का
हर पैगंबर ने इो दावा दी ला इलाहा अल्लाह रसूल ने दावत का काम शुरू किया तो उस वक्त यहूदी चूंकि एक पढ़े लिखे तबका था मौलवी का तबका मौलवी जेड़े होंगे पीर सिद्धी गल अपनी आवाज भी नहीं आते सिद्धी गल बात अल्लाह के रसूल जैसी हस्ती का सामना आ गई उन्होंने हर हर पर इस्तेमाल किया पहले पैगंबर रुक जा इन निजाम इलाके तक नहीं चलता जो मोहम्मद तू मसला पर बयान करेगा पैगंबर तू इन के पिछे चल अगर सुन कौन इन्ना बदल्ला है ओवर बता ये मेरे पैगंबर ऐलान करके आ कि हिदायत पूरा है जड़ी अल्लाह ने भेज दी कि अल्लाह ने कुरान की शक्ल दे अंदर आता कुरान जैसी और कोई किताब हो सकती अल्लाह के पैगंबर ने जो सुनाया उन्होंने किया कि उन्होंने क्या असा कोई आदमी अल्लाह की इबादत कोई ना करे इबादत करें दे आवाम को प्यार अल्लाह कुरान अपने मुहम्मद रसूल लगे सारिया पेश की अल्लाह दे पैगंबर दी इज्जत दा गवाह बनिया कुरान अल्लाह दे पाक पैगंबर दी सूरत दे सीरत तक मेरी खुदाई नहीं हो सकती इंजे मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नहीं हो सकती जिम्मे दिन ब दिन अल्लाह की शान चढ़ती है इंजे दिन ब दिन मुहम्मद रसूल खत्म नहीं चढ़ती इल्जाम लगे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा के सारे पैगंबर की सफाई कर दी आकान बशर आयो तवल हुकुम आले मरान आयत नंबर 79 खरजा के तर्जमा वेख लविया अल्लाह फरमाता है कहे बशर वास्ते ऐसे बशर वास्ते लायक ही नहीं उसकी शान दे मुनासिब ही नहीं अल्लाह किताब देवे जमात बन गई है हर मोल भी आता है मेरे भी आता मेरे पास आ बाप भी आता मेरे पास आप बंदा परेशान है अल्लाह जाने मैं कहने पास अल्लाह आता तू कह पास न जा मैं ला रैब किताब कुरान नादिल फरमा छोड़ी उसे दे पीछे लग जाती अब जड़ी जमात दे तू क्यों ना सरवाइना जमात ता सदावन ना कोई कम जाप ना फलानी जमात ता फलानी जड़ी जमात दे क्यों पक्का मुसलमान है जो अल्लाह की किताब दे बात मुनी का जेके दे मैं फिर की जमात दे मदद नहीं करूं
दूजे नंबर दे वल हुक्म शरीयत दे वहां सुन्नत दे ना फरमो कुवा तीसरे नंबर दे नबुवत दे वाए कितनी चीजा अल्लाह ने जिक्र के दिया कितनी चीजा त्रै चीजा ते हुन तवज्जो करो पर अल्लाह ने कुरान ते पर आयत नंबर भी दस दी है आयत नंबर 79 तीसरा पारा सूरत आल इमरान सूरत आल इमरान तीसरा पारा जना भी तर्जमा लखर कुरान तो भी जना भी लिखे हो जावे सरत्र जमा मोल के पढ़े ते पढ़े की अल्लाह को दुआ कर के ते अल्लाह सच्चा कौन भी देखा है जमात का करके दे पीछे नहीं लगना चाहता मन माने सादा मैं अल्लाह की किताब कुरान की मन माने सा अल्लाह फरमा पढ़े मैं महाकाम लिखा शरे कहे बशर वास्ते लगे के नहीं अपना हुक्मों के तराते शरीयत के नबुवत अदा कराए एक तरह चीजा असा कहते आए तपशर को कहते आए क्या चोरी कोई चीजा मिलिया इससे दूरे रखिना किताब भी मिले ता बशर को मिले शरीयत और हुक्म इस हुक्म नुमरा सुन्नत और शरीयत शरीयत भी मिले ता पैगंबर को मिले तीसरे नंबर पे नबूवा अल्लाह फरमाता है त्रै चीजा सने ते आए सब बशर को दे दे आ ते असाबे पाक रसूल नु सैयद अल बशर आख्या जाता है आख्या ना दे ना सैयद अल बशर है मोहम्मद रसूल अल्लाह सारे इंसान दे सरदार सैयद अल बशर आख्या गया है ते अल्लाह फरमाता है असाए बशर को ताया सीधा दे माए किताब दे शरीयत दे नबूवत दे पाक को के आके बशर दे इंसान के जाके मजब बोला ले ना कुतु इबाद ले बिन तुल्ला वक्त को बशर ये को पे भगवान को रसूल के तुम तरह की जामिया है ना ओ अब्बो आके ये पूला बिना लोगों ने आके कुतु इबाद ले बिन तुल्ला ओ लोगों अल्लाह जवाब दिता है हर पैगंबर की सफाई अल्लाह फरमाता है आदम पैगंबर तो मिल गए मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बल्कि जरूरत पूरा करने वाले रब आख्या जाता है इस वजह तो बंदियां नु पढ़ाया है जदा भी इमान पढ़न वास्ते आवो ता पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕੋ ਦੇਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂਰੇ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਨੂਰ
नूर निकलता है रोशनी रोशनी निकलती मगर ये साथ अल्लाह दे पैगंबर दी बशारत इससे बचा तू तो दूजे मकान ते अल्लाह ने फरमाया ऐलान करो मेरे रसूल अपनी जुबान नाल ते कुरान पढ़ के ऐलान करो इन्हां नूं आखो इन्नमा अना बशर मिसलुकुम ओ लोको मैं भी बशर हां तुहाडे मिसल जिवें तुसां इंसान हो इंजे मैं मुहम्मद भी इंसान हां अच्छा बात ए इतना मर्तबा ते मकाम मोहम्मद तेरी जात बशर है ते दाता ले के बशर हो गया अरशां ते जा कोई नहीं सकदा पर ये मकाम तेनु किवें मिल गया फरमाया यू हा इलैया ते कितना भी मेरा मर्तबा मिलिया इसे कुरान दी वजह तो मर्तबा मिलिया अल्लाह दे पाक पैगंबर इतनी इज्जत रफत दे बुलंदी मिली जैसे कुरान दी वजह तो मिली मगर फरमाया मेरी जात बशर है अल्लाह ने सफाई भी दी तो फरमाया बशर वास्ते चीजा है ना किताब ते नबुवत ते शरीयत है जदा इस तरह चीजा मिल गई है अल्लाह फरमांदा है मौलवी बंदे धोखा देन देन धोखा देन देन आवाम नू जदा पढ़ के उन्हां नू दसे तो अल्लाह दा कुरान प्यादा है इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम ओ लोगो जेड़े खजूर दे कुठली दे मालिक नहीं अल्लाह दा उन्हां नू सड़ मारो तो सुन दे नहीं उस तो जो के पहले लपा दा पिया है अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह ने मिसाल नाल अलसाद दे अकल दे मुताबिक गल को समझाया यूले जो लगेगा फिर नहारे वयूले जो नहारा फिर लहीर यूले जो लैला फिर नहार रात नो दिन दे अंदर दाखिल करना दिल को रात दे अंदर दाखिल करना वसब थार शम सवल कमर सूरज दे चाँद को बढ़ावन वाला फरमाया रात नो दिन नो बढ़ावन वाला जे रात को अपने टाइम ते खड़ा करन वाला ते दिल को अपने टाइम ते खड़ा करन वाला सूरज नो अपने मकाम ते चलावन वाला ते चाँद नो अपने निजाम ते अपने मकाम ते चलावन वाला कुल्लो यजरी ले अजल मुसम्मा फरमाया हर चीज अपने वक्त ते मुकरर ते चलदी भाई मैं अल्लाह दे हुक्म दे नाल अल्लाह ने कहा कि जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ए अल्लाह हे तोडा रब लहुल मुल्क सारी कायनात दी बादशाही कहते वास्ते खालिस ते होर दे हक दे अंदर अल्लाह ने नहीं दिते ना नबी ना रसूल ना बड़े महान दे हक दे अंदर ना अली दे अंदर ना हसन हुसैन ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना सुल्तान को ना के होर दे हक दे अंदर फरमाया अल्लाह हुक मुल्क सी ही वक्त सारी बादशाही हुन अगो अल्लाह याद आए ओ अल्लाह जिन्ना नु तो सासड़ पे मरे हम दे ओ बल्लदी ना तदो ना मिल दो ते ओ लो जड़े सड़ मरे हम दे पुकार दे मिल तू नहीं अल्लाह तो इल्ला वाका है अल्लाह को अल्लाह फरमाता है मा यमले को ना मिल के तभी ओ तो ये सीधे भी मालिक नहीं खजूर जड़े कुटली है उस दिन भी ना इख्तियार कोई नहीं है बल्कि अल्लाह ने कहा इंता तो वो अल्लाह यसमहु दुआ को उना नु तुसा सब मारो पुकारो तोटी इस पुकार नु पहुंच सकदे मौलवी आखिर मिल दून इल्ला तो मुराद पुत्ते न पत्थर है ये है ना बुत अल्लाह दे तुहा जो पढ़ना बुत ताते नु पर कुरान दे समझ नहीं पांदे ओ किवे अल्लाह कुरान दे अंदर अपने पैगंबर बात लखा पिया बोलेंदा मैं तू दिल्ला इतने भी पता मिल तू नहीं अल्लाह तुलावा जाए इस
कुरान कड़ी कल भी बता कर छोड़े दुनिया की हर जगह जाकर बर्बाद ना करता है पर कुरान जब तक बर्बाद ना किया सकता क्योंकि ये कुरान इज्जत का खजाना है मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर की इज्जत से कभी ना भूल सकता क्योंकि ये अमल करने वाला कौन है अल्लाह ने फरमाया देखो मेरा यूसुफ पैगंबर आ गया यूसुफ अल्लाह का वो पैगंबर है कि अल्लाह ने अल्लाह का इजाजत नहीं दी कि तू अपने बस्ती छोड़ के चला जा दावत से अल्लाह ने वो पैगंबर पर कौन ने नहीं मानिया अल्लाह ने अल्लाह मेरा पैगंबर भी आपने मस्ती नाल चल सकदा और दुनिया की केड़ी हस्ती का आपने मस्ती नाल चला है अल्लाह फरमाता मेरा पैगंबर अपना कदम भी अपने मर्जी नाल नहीं रख सकदा ये पैगंबर बैंदा पे अल्लाह ताले के कुरान में खाली किस्सा नहीं सुनाया बल्कि मसला समझाया है अल्लाह ना कदे रहा लेंगे यो समझ बैंदा आके मेरे से कोई कुदरत न खड़ा ले कोई देखा ना है देखो किया है उधर या आ गया है रास्ता वो उतर ना है देखिए और रहा कोई नहीं कश्ती वाला पे आंदा है अल्लाह ने पैगंबर ने चांदा का इशारा किया है कश्ती वाला मल्ला आ रहा आ गया है कश्ती लेके अल्लाह ने पाक के अंदर कश्ती के अंदर बैठ गया है कश्ती के अंदर बैठ गया कश्ती चल रही है जगह दरमियान के अंदर पहुंची है कश्ती दरमियान के अंदर फंस गई है भगवान के अंदर जगह कश्ती फंस गई है बस मेरी कश्ती च सवार हो जावे जिमें गल सोरे तौर ते आ गई वाक होर कोई नहीं मैं भी अल्लाह दे कश्ती वाले डुबे अल्लाह के पैगंबर आ पाए अल्लाह के रसूल दिल के अंदर जो के आवाज का तरह धोता है उम्मत का जो अल्लाह के पैगंबर आख्या मेरे पीछे सारे कश्ती ना डुब जावे पैगंबर मेरी मर्जी तो बगैर नहीं चल सकता तो होर कौन है अपने मर्जी नाल कम मारन वाला अल्लाह दा पाक पैगंबर जो इच्छा क्या मरेंदा अल्लाह कुरान के अंदर के आता है हुक्म के अल्लाह के ने प्यार सुनेंदा
कुरान पे आए के तेरे एक आयत नाल बरकत आ
अल्लाह जाने वो भी लिखी के ना सुने आले की के ना ये के ना उस जबान करके देना तो पता है केस को बंद के खोल के बैठ ना जाकर ये खोल के बैठ है चाहे अगर लीक का नजर आया तो कुछ है तो ये अब इसी आठ छोड़ नहीं रात दिखा ले तू नहीं जाना कुरान का तावीर तो आज भाई कुरान तो ही आया तो मेरे खाता पूरा कुरान है मत बरकत क्यों नहीं आई मत मुश्किल क्यों नहीं दूर हुई मालूम होता है कि एक गल तू सियाणा बन के चक्कर तक के दाई मौलवी फायदा कर रहा करे उन पता लग गया सी कि आपको बंदे दिया अखियां खुल गई है अल्लाह हु अकबर जिते पूरा कुरान पे आ खाने दे अंदर जे बरकत नहीं लड़ाइयां ते झगड़े ज्यादा है सारा अमन कोई नहीं तो दी बंदी बच्चा एक तू पढ़ करके रख छोड़िया तो बोल के पढ़िया अल्लाह के रसूल दी सुन्नत पे अमल है सारे लड़ाइया झगड़े बंदा खाली कुरान इस्तेमाल पिया करे नहीं वो सुन्नत के लिए अमल पिया करे ना जिन्हें मोहम्मद रसूल नबी एंड भाई तभी दादा काम करे अल्लाह बचा के रखे ये बहुत बड़ी प्याद भी है कुरान मुकद्दस की नतमाले कुल्लाले ना करावना ए ते ना ऐसी महफिल जे शिरकत करनी है जिथे पैगंबर की सुन्नत को बिठाया जा रहा ए बिदत है अमल बिदत यानी पैगंबर की शरीयत जे नवा काम खड़ा किया गया अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे दीन के अंदर जेड़ा बंदा नवा काम करे दीन समझ के वो बंदा बिदती है ते फरमाया कुल्लो बिदात जलाला हर किस्म की बिदात हमें वो पाके की अच्छी बिदात हर किस्म की बिदात वो गुमराही है वो गुमराही का ठिकाना फरमाया कि नार जहन्नम तो भी सोया तो अपनी इबादत ने हर की तो जाया तो हाँ जी अल्लाह के पास पैगंबर दी इज्जत दा जरिया केड़ी किताब बन के आई है कुरान मुकद्दस इससे वो यद अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान किताब मेरा पैगंबर अल्लाह मुनशर अल्लाह का सदर एक मेरा पैगंबर असा के रसीना खोल नहीं देता क्या मतलब फरमाया और पैगंबर जितनी आए मेरे को मंग दे गए ता मैं उन्होंने किताब ਕਿਨੇ ਕੋ ਖੋਲਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਫਿਰੋਂ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਬੱਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਏ ਤੇ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਆਲੋ ਸਦਾ ਕੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨ ਆਲੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਖੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲੁਕਮਤ ਵੀ ਤੋੜ ਕਰ ਤਾਂ ਤੋ ਚੜੀ ਕਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਜਾ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਾਰਾ ਮੋਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਐਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਐਬ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਬ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
मतलब क्या है मैं कल्ला होना है अगो ठेर हो पड़े ना जो क्यों ठेर हो सिंधे मैं कल्ला हो सा फरमाया कोई ना तो कल्ला नहीं नाल अपने फिरान विलाए बने तो सब तो हो पड़े तित्रिया को तो नाल कौन हो सी अल्लाह फरमाता है उस पैगंबर को मैं जदा किया है उस मेरे को लो मंगिया या अल्लाह मेरा सीना खोल दे मगर इमाम अल्बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह दी शान कुरान नाल वे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने शरा अल्लाह सजरा को मेरा पैगंबर अब तेरा सीना खोल देता है तो मंगिया ही कोई नहीं मगर मंगे जा साहब खोल देता है अल्लाह जी अनकदा जहरा अल्लाह फरमाता मेरा बात के गंतर बाबा साहा हल्का भी जरा असाब तेरे को पहुंच हल्का कर देता है पहला बट्टा पहुंच ही आई तो के पैगंबर मोहम्मद करीम कल्ले ते कदा कुरान सुनावना को सारे दुनिया ने मुखाल पद करने मगर अल्लाह ने पहुंच ही हल्का कर देता है कि कंगा मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं नाल अबू बकर सिद्दीक वे नाल बन गया है ताई नाल सहाबा कराम आ गए ना यही मुराद है पैगंबर के मथे तो अल्लाह ने फरमाया अपने रसूल से बोल अल्लाह ने सिर्फ पूछे
اختیار اللہ نے دیتا ہے، اللہ نے رسول نے آ فرمایا دنیا لی زندگی پسند ہے یا آخرت والی؟ صحابی رسول اللہ نے یا رسول اللہ بات اس بندے کی آکھیا میں نے کیڑی زندگی پسند ہے؟ اللہ دے رسول فرماندے ہیں اس آکھیا ہے بندے نے میں نو یا اللہ آخرت والی زندگی پسند ہے، میں اتھے نہیں رہنا چاہتا اتھے تیرے کول رہنا چاہتا. صحابہ کرام کوئی نہ سمجھ جائے میں کیڑے بندے دی گل پیانی، حضرت ابو بکر صدیق نو گل سمجھ جائے وہ رومن لگ گئی سائیں تے بیٹھے رومن لگ گئے عمر دے تھوڑے زیادہ ہاں. صحابہ کرام آکھن لگے یار اس مینوں کی ہو گئی کیوں روندا پیا؟ اللہ دے رسول تے کسے بندے دی گل کیتی ہے تے اللہ دے رسول نے اپنی ذات دا نام لیا کوئی نہیں خاص تے اللہ دے رسول تے موت آئی نا تے اس وقت سارے صحابہ نے آکھیا واقعہ او جڑی اللہ دے رسول نے گل کیتی صدیق نو سمجھ آ گئی سانو سمجھ کوئی نہ. دنیا محفل سارا ڈرامے رچائی بنے گئے رسول آمد ہے نور والا آیا نور والا آیا مطلب مولوی سارے صحابی اللہ اللہ دے پیغمبر نو نہیں ویکھ سکدا اے شیطان نو نہیں ویکھ سکدا اللہ دے پیغمبر نو تے موت آ چکی ہے ہن قیامت تو پہلے زندگی پر مولوی تھوتھا دے کے کیا دے ہیں کہ جڑا گل پیا کریندا ہے نا نبی دے تے موت آ گئی ماں اللہ کے اپنا چاہندا ہے نبی مٹی نال مٹی ہو گئے ہیں اس کو بج بج کے آپ ایسی گل کرنے والا سور ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے. ایسا تو یاد ہے اتنا جبریل امین فرشتہ دا نور دا سردار ہے کہ نہیں سارے تو شان دے حساب نال بھی زیادہ شان علی خان ہے زندہ ہے جبریل موت اس دن تے بھی آمنی مگر اللہ تا کیا ہے ایسا تو ہے اتنا نورانیت تر و تازگی زندہ جیندے جبریل دے وجود دے نہیں جتنی محمد پاک دی موت تو بعد محمد پاک جسم دے نورانی دے جسم تر و تازہ سونا الحمدللہ کوئی جسم دنیا دا مقابلہ کر سکدا ہی نہیں تے کوئی ایسی مٹی نہیں جڑی آ کے محمد پاک دے جسم نو آ کے حملہ جسم دی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہر پیغمبر دے وجود تے جسم محفوظ ہے موت تو بعد ہر بندے نے کلیا قبر وچ وجنا ہے میں اپنا حساب دیونا ہے تو اپنا حساب دیونا ہے جتنا زیادہ اس کو قرآن نال شوق پیدا
दिन होवे रात होवे कुरान की तिलावत पे जोर दियो, कुरान को पढ़ने पे जोर दियो, अल्लाह को दुआ करते रह करो। मैं ये नहीं कहना कि मैं जी गल की तरफ हिस्से में यकीन रखो, मैं आता गल से गौर करो जरूर। हर जाके तर्जमा कुरान वाला पढ़ो, हदीस रसूल ना पढ़ो तो याद रख हदीस भी हक।